अस्पताल में भर्ती ये वो पुलिसकर्मी हैं जो गए तो थे मारपीट की एक घटना को सुलझाने, लेकिन खुद ही उसके शिकार हो गए। मामला यूपी के चंदौली का है, जहां के कंधवा थाना क्षेत्र के कुदई गांव में दो पक्षों के विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। इस हमले में एसएचओ कंधवा राजेश सरोज समेत आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए और तो और पुलिस की जीप पर भी पथराव हुआ। हमले की सूचना के बाद एसपी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। एक सूचना मिली कि दो पक्षों में एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर हमला कर रहा है और मारपीट हो रही है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जो पक्ष हमला कर रहा था उसके द्वारा पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया। उसके बाद तत्काल एक्स्ट्रा फोर्स भेजकर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित कराया गया। ग्रामीणों के हमले के बाद पुलिस पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी और किसी तरह भागकर जान बचाई, लेकिन इस बीच ग्रामीणों के हमले में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये हमारे अस्पताल में सुबह में 7 पुलिसकर्मी घायल अवस्था में आए थे, जिसमें से 6 लोगों की तो स्थिति सामान्य है, लेकिन एक पुलिसकर्मी की स्थिति थोड़ा गंभीर है। उनको भर्ती कर लिया गया, उनका इलाज चल रहा है, बाकी लोगों को दवाइयां वगैरह लिख के छोड़ दीजिए। पुलिस ने इस मामले में अलग अलग 2 FIR दर्ज की है और अब आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई है। इसमें कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें 2 FIR पंजीकृत की गई है, एक जो पीड़ित पक्ष है जिसके ऊपर हमला किया गया और एक पुलिस के SHO द्वारा। इन सभी में लोगों का नामजद किया गया है। पहली FIR में 8 लोगों को नामजद किया गया है, दूसरी में 15 लोगों का नामजद किया है, कुछ लोग अज्ञात हैं। इन सभी में सभी की अरेस्टिंग की जाएगी और इनके ऊपर जो भी दंडात्मक कार्रवाई है, गुंडा की कार्रवाई करते हुए सभी के ऊपर जो विधिक कार्रवाई है वो जल्द खत्म की जाएगी। दरअसल पिछले दिन गांव के एक बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और पड़ोस के ही एक शख्स पर हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस मामले की जांच कर ही रही है, लेकिन इसी बीच रविवार की रात मृतक बच्चे के परिजन आरोपी के परिजनों से मारपीट पर उतारू हो गए और जब पुलिस मारपीट के मामले को सुलझाने पहुंची, तो तभी ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। बहरहाल पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।